डाइपोल पढ़ा था। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पॉइंट चार्ज, कि हमारे पास कोई चार्ज बॉडी है, कोई पॉइंट चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर। तो ध्यान से समझिए कैसे, डेफिनेशन क्या होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पॉइंट चार्ज एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू टेक द चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, कि हम उस पॉइंट चार्ज को इनफाइनाइट से उठाकर उस पॉइंट तक लेकर आए, उसको लाने में जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा दैट वर्क डन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कुछ ऐसी डेफिनेशन आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की पढ़ी थी, लेकिन उसमें कहा था हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, किसके लिए वर्क डन, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज उठाकर लेकर आए, ठीक है। तो यू इक्वल टू डब्ल्यू, लेकिन हमने V पढ़ा था W अपॉन Q नोट या Q कहें, ठीक है। सो W इक्वल टू Q इंटू V हो गया ना। तो किसी भी पॉइंट पर हमें एनर्जी निकालनी है तो वो Q इंटू V के इक्वल हो गया। हम डेरिवेशन करेंगे, देखिए ध्यान से इसका डेरिवेशन, वैसा ही हम एक फिगर बना रहे हैं, ये कोई जो है पॉइंट चार्ज है, इसको इस पॉइंट पर हमें एनर्जी निकालनी है किसी चार्ज Q नोट की, यहाँ पर एनर्जी कितनी होगी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज का, ये r डिस्टेंस पर पॉइंट P है, हमें करना क्या है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन की इनफाइनाइट से लेकर इस चार्ज को यहाँ तक लेकर आना है, ठीक है। तो किसी टाइम पर ये मान लो यहाँ पे इनफाइनाइट है, यहाँ पर पहुंचा पॉइंट ए पर, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हम एक्स ले लेते हैं, यहां जब पहुंचेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर और इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो भी इधर ही, ठीक है। तो वही वेरिएबल फोर्स होगी क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी फोर्स, जैसे जैसे नजदीक आएगा फोर्स ज्यादा होती जाएगी, तो वेरिएबल फोर्स के कारण है तो हम पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर ले लेते हैं, ये पॉइंट बी ले लिया, पहले यहाँ तक लेकर आएंगे, ये होगी डी एक्स, तो डी एक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकालेंगे सेम डेरिवेशन जैसा हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए किया था। तो लेट अ पॉइंट चार्ज क्यू नॉट इज टेकन फ्रॉम इनफाइनाइट टू पी, इट इज एट ए at any instant then force on it is F equal to charge into electric field, क्योंकि E equal to F by Q, F equal to Q into E, ठीक है। तो ये क्या हो गई फोर्स, F की वैल्यू, E की वैल्यू आप यहाँ पर वही पुट भी कर सकते हो, बाद में पुट कर लें Q नोट 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है Q अपॉन x स्क्वायर x डिस्टेंस, ये वैल्यू यूज कर लेंगे, स्मॉल वोल्टेज में लेके चल रहे हैं, वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट From A to B, कितना होगा dW लिख रहे हैं वर्डन F dot dx force into displacement, F की जगह पे आप Q note into E लिख सकते हो, dot dx Q note बाहर आ जाएगा, ठीक है। E की वैल्यू बाद में पुट कर लेना, चाहे अभी एंगल की हम बात करें E dx और cos 180 बता था पहले भी
क्योंकि लेकर कर जा रहे हैं, फोर्स इधर है तो 180 का एंगल है, तो Q नोट माइनस हो जाएगा, या माइनस Q नोट E dx, स्मॉल वर्क डन। नेट वर्क डन, टोटल वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू पी पॉइंट, टोटल वर्क डन इसका इंटीग्रेशन, माइनस साइन बाहर ले लेंगे, Q नोट भी बाहर ले लो, इनफाइनाइट से पी पॉइंट पर लाना है, पी पॉइंट पर डिस्टेंस आर हो जाएगी, जब पी पॉइंट पर पहुंचे डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हमें लेनी है ना लिमिट्स, ई डी एक्स माइनस क्यू नोट ई की वैल्यू 1/4πε0 क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स, लिमिट इनफाइनाइट से आर। तो सोल्व हम कर चुके पहले, फटाफट कर दो, क्यू नोट इंटू 1/4πε0 भी बाहर, यहां x की पावर माइनस टू हो जाएगी डी एक्स, ये क्यू नोट क्यू था तो भी बाहर आ चुका है, बाहर ले लेंगे इसको, और इनफाइनाइट से जो है r तक क्या होगा, माइनस क्यू नोट क्यू अपॉन 4πε0 एक्स की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन, माइनस टू प्लस वन, इंटीग्रेशन एन प्लस वन, माइनस टू प्लस वन यानी माइनस वन, नीचे माइनस टू प्लस वन माइनस वन, लिमिट इनफाइनाइट से आर तक लगेगी। ठीक है, आगे इसको सोल्व करेंगे, तो देखिए मैं बता रहा हूँ, क्या होगा डब्ल्यू इक्वल टू माइनस क्यू नोट क्यू अपॉन 4πε0, ये माइनस बाहर ले लिया तो माइनस माइनस प्लस, ये 1/x इनफाइनाइट से आर, क्यू नोट क्यू 4πε0 1/r माइनस 1/∞ 1/∞ 0, W इक्वल टू क्यू नोट, थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करके लिख रहा हूँ, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर, थोड़ा सा ध्यान से समझें, आप देखिए दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट बी, और ये जो जिसकी हम एनर्जी निकाल रहे हैं तो किसके इक्वल आ गया है, W Q नोट इनटू V के, पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट B, VP लिख सकते हो, सो EPE इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज U इक्वल टू W यानी Q नोट इनटू VP पोटेंशियल। ठीक है, VP की वैल्यू चाहो तो ऐसे कैसे पुट कर सकते हो, दिस मॉडल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हुई किसकी, डाइपोल की, सॉरी पॉइंट चार्ज की इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इसी से रिलेटेड, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिलेशन, मैं फिगर्स का नहीं कर रहा हूं, इसी में काम आएगा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हम रिलेशन निकाल रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, ये हमने एक फिगर बना लिया है और वैसे ही एक हम पॉइंट चार्ज को हम लेकर आ रहे हैं इनफाइनाइट से पॉइंट बी तक, लेट a unit positive charge, a unit positive charge q naught is taken from infinity to p, it is at a at any instant of time। हाँ थोड़ा सा मैं यहाँ पर उसमें कर रहा हूँ कि यहाँ पर डिस्टेंस x लेने की जरूरत नहीं है, कुछ सीधा मैं dr ही लेने चल रहा हूँ r की फॉर्म में,
वैसे आप bx की फॉर्म में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके ऊपर जो फोर्स होगी वो कितनी होगी, q नॉट इनटू p, f इक्वल टू q नॉट इनटू p। सेम सो वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ए बी, ए से बी तक, इसको हमने डी आर कहा है। डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी आर, और वी कैन से क्यू नॉट इंटू ई डॉट डी आर, डी डब्ल्यू वही क्यू नॉट ई डी आर कोस 180 डिग्री, ठीक है, और कोस 180 माइनस वन, तो माइनस क्यू नॉट ई डी आर। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P या एट एनी पॉइंट, हम dV बोलेंगे यहां पर, बल्कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस dV, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है, वर्क डन ना, A और B के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो वर्क डन फ्रॉम A टू B या B टू A, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस dV इज इक्वल टू dW / Q नोट वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और ये हमारे पास वर्क डन है, Q नोट से Q नोट कैंसिल हो जाएगा, माइनस EDR, तो इसको इधर ले आएंगे, तो dV / DR इक्वल टू माइनस E, या वैसे लिखते हैं E इक्वल टू माइनस dV / DR। काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, अब dx की फॉर्म में लिखते हैं, dV / DX आ जाता वही डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो इसको क्या लिखा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू दी नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फील्ड इंटेंसिटी किसके इक्वल है, नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट, दिस टर्म इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम से ही क्लियर है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कि इक्वी एक जैसा, तो ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, मतलब ये सरफेस है कितने भी पॉइंट आप लोग कहीं पर भी, हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम। तो इट इज द सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ व्हिच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम, इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज नंबर वन, वर्क डन टू मूव ए चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो, किसी चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हम लेकर जा रहे हैं, मूव करा रहे हैं, तो उसके लिए कोई वर्क डन नहीं होगा, क्यों, समझिए ध्यान से, हमने पढ़ा है कि अगर हम वर्क डन निकाल रहे हैं एक पॉइंट से ए से बी की तरफ मान लो, तो वो होगा वी बी माइनस वी ए, और किसको लेकर जा रहे हैं, किसी भी चार्ज को, यूनिट चार्ज को मान लो, वर्क डन इसके इक्वल होगा। लेकिन अभी हमने क्या बताया, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यानी इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना ही है, इस पर कितना ही है, मतलब वी बी इक्वल टू वी ए, तो डिफरेंस क्या होगा, जीरो। सो वी ए बी यानी वर्क डन इक्वल टू जीरो, ध्यान रखने की बात है। न्यूमेरिकल में पूछ दिया जाए कि चार्ज ऑफ 10 कूलम इज मूव्ड ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी,
10 मीटर अपार्ट या 10 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर व्हाट विल बी द वर्क डन, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर मूव करा रहे हैं, वर्क डन जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेकंड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। कैसे? देखिए हमने पढ़ा है एज वर्क डन W इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट dr, E डॉट dl, E डॉट dx, आप किसी फॉर्म में लिख सकते हो। dr इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो W वर्क डन इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल है। तो लेकिन अभी हमने कहा E डॉट dr को एक बार सॉल्व कर देता हूं, E dr cos थीटा हो जाएगा। स्मॉल वर्क डन कहते तो खाली dw लिख दें, लेकिन हम क्या, बट वर्क डन इक्वल टू जीरो, दो पॉइंट के बीच में कराने के लिए वर्क डन कितना आ रहा है, जीरो, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, वर्क डन जीरो तो ये पूरी टर्म जीरो, यानी ई डी आर कोस थीटा जीरो, और ये कह रहा है कि ई यानी पी ओ डी आर जीरो है नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कोई ना कोई है यहाँ, डिस्टेंस भी है, हमने मूव कराया था, यानी ये भी जीरो नहीं, ये भी जीरो नहीं, तो कौन जीरो हो सकता है, कोस थीटा, इट इंप्लाइज कोस थीटा इक्वल टू जीरो, यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो ई परपेंडिकुलर टू डी आर, ई परपेंडिकुलर टू डी आर, और डी आर कहाँ होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर डिस्टेंस, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसके परपेंडिकुलर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को काटेंगे भी नहीं, क्योंकि ये एक सरफेस है इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल एक जैसा है, ये दूसरा सरफेस है इसके भी हर पॉइंट पर पोटेंशियल एक जैसा है, अगर ये काट गए तो कुछ पॉइंट दोनों के ऊपर होंगे, यानी कॉमन पॉइंट, अब वहां पर पोटेंशियल इसका होगा कि इसका होगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक पॉइंट पर दो पोटेंशियल हो ही नहीं सकता, दो अलग अलग वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को काटते नहीं है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है वहां पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे वो नजदीक होंगे, क्लोज होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको बना के बता रहे हैं, से देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस सरफेसेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव कोई कोई भी चार्ज हो सकता है, उसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे होंगे सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, इस प्रकार से ज्यादा बना सकते हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलती है, हम बता चुके हैं ऐसे इनफाइनाइट तक जाती है। और आपको पता है कि रेडियस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, तो आपकी बोला बात भी सिद्ध हो रही है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर ये परपेंडिकुलर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ इसके ऊपर इस सरफेस पे ये जो स्फीयर बना, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बन रहे हैं, ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और बड़ा बन सकता है, इस सरफेस के ऊपर हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, इसके भी हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। Due to uniform electric field, अगर uniform electric field, आपको पता है uniform electric field को हम parallel straight line से दिखाते हैं, तो उसमें जो equipotential surface होंगे ऐसे होंगे rectangular shape में या sphere में ऐसे, और वो electric field lines ऐसे यहाँ से जा रही होंगी parallel। इस प्रकार से
ठीक है। एक हो गया, एक इससे पहले बना सकते हो, इससे के बाद में आप बना के दिखा सकते हो। इस प्रकार से एक इक्विपोटेंशियल सरफेस या एक ही है, उसके आगे इस प्रकार से एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल में क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने ड्रॉ की थी डाइपोल की वजह से, पॉजिटिव चलती नेगेटिव की तरफ जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन टू प्रोटेक्शन बिटवीन द चार्जेस, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस नहीं है, अभी तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एरो होगी, जब इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे तो यहां स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इधर कम होगा तो यहां नजदीक होंगे सर सरफेस। जैसे एक सरफेस मैंने ये बनाया, दूसरा ये इधर थोड़े से दूर हो जाएंगे, इधर नजदीक रहेंगे, ऐसे इसके चारों तरफ। सरफेस ठीक है, और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मान लो सिमिलर चार्ज हमारे पास है दोनों, ये तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया डाइपोल में, ड्यू टू सिमिलर चार्जेस, ड्यू टू सिमिलर चार्जेस मान लो दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का आपको पता ही है कि लेटरल प्रेशर इस के ऊपर डालेंगी, इस प्रकार से जाएंगी, लेकिन बात हो रही है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, तो यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस थोड़ा ध्यान से समझिए कुछ इस से। कैसी शेप है ये, डंबल शेप, डंबल डंबल देखने को डंबल शेप भाई बीच में से ऐसे, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इस शेप की होगी, की हो गया एक इसके पार हो रहे छोटे बड़े अलग अलग शेप में डंबल शेप में सारे होंगे, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।